नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक रसोई चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊंगी, जो कि हर चाट की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, दही बड़े में इस्तेमाल होती है, और आप आलू की टिक्की बनाते हैं उसमें डाली जाती है। किसी भी चीज़ को चटपटा करने के लिए इस चटनी का बहुत ही महत्व है, तो आज मैं वही बनाना बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, हम चटनी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इमली लिया है। इमली, ये देखिए, पकी हुई सूखी इमली बाजार में मिलती है। देखिए, इस तरह से मिलती है, चाहे इस तरह से भी मिलती है और ऐसे लंबी लंबी भी मिलती, जैसी भी मिलती हो, ये साउथ में ऐसे मिलती है हमको, और ये बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर वो बीज निकाल के रखते हैं, और जो कुछ जगह बीज नहीं निकले हुए होते हैं। मैंने इसको आधे घंटे पहले देखिए गर्म पानी में भिगो के रखा था। तो आप अपनी इमली को भिगो दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप 2 घंटा भिगो दीजिए। और उसके लिए मैंने गुड़ लिया है मीठा डालने के लिए। गुड़ और मीठा और नमक आप टेस्ट के अनुसार डालेंगे, तो इसलिए मैंने अंदाजे से गुड़ लिया है आधा कटोरी, और मैंने काला नमक लिया है आधा चम्मच, सौंठ ली है 1/4 स्पून, देखिए इस चम्मच से मैंने लिया है, जो चम्मच हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में सौंठ नहीं है तो आप अदरक भी पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन सौंठ अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि सौंठ अदरक से ज़्यादा फायदेमंद होती है। सौंठ होती सूखी अदरक ही है। और मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, क्योंकि गुड़ थोड़ा खट्टापन होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डालूंगी। खजूर मैंने 4 पीस लिए हैं, इसके मैं बीज निकालूंगी। ये देखिए, इसके ऐसे खोल के बीज निकाल लेंगे। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, ये इन्हीं सामान से बनेगा। तो चलिए, मैं इसको मसल के पहले इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। इस जो हमने इमली भिगो के रखा है, इसको अच्छे से मसल के इसका पल्प निकाल लेंगे, हम इसको छान लेंगे। ये जो इसका फाइबर है इसको अलग कर देंगे, और इसका पानी जो है इसको हम छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा पल्प इमली का अच्छे से रगड़ रगड़ के निकाल लिया है उसमें से, पानी में से। ये देखिए, मैंने छाना है, ये फाइबर इसका निकला हुआ है। 2 बार पानी से मैंने धो के अच्छे से निकाला, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा था तो जल्दी से निकलता नहीं है। या तो आप उबाल के छानिए या छान के फिर उबालिए। तो छान के उबालेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। गैस जला दी है। अब मैं इसमें ये इमली के जो पल्प हैं ये डाल दूंगी, और इसको उबलने के लिए रखूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें गुड़ भी मिला दूंगी। ये देखिए, ये गुड़ भी मिला दूंगी, दोनों इकट्ठे मेल्ट होगा इसमें। जब एक बार मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए, आप इसके साथ ही ये खजूर भी मिक्स कर दीजिए इसमें, ताकि ये उबल उबल के अच्छे से गल जाए इसके अंदर। इससे खजूर से क्या था, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आपके पास अगर सूखे छुहारे हैं तो उसको आप भिगो लीजिए। भिगो के उसका पानी और उसको तोड़ के अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये खजूर का ही काम करेगा। अभी मैंने गैस को तेज कर रखा है, जब इसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसको धीमे कर दूंगी। ये देखिए, गुड़ में, गुड़ लीजिएगा तो गुड़ ऑर्गेनिक लीजिएगा। गुड़ मैंने पाउडर लिया है, गुड़ का ऑर्गेनिक मिल जाता है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इमली भी आसानी से मिल जाती है और गुड़ भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। थोड़ा अच्छा गुड़ लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें और आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसको कम से कम 10 मिनट तक हमको पकाना है। क्योंकि आप अच्छे से अगर आप इसको पका लेंगे तो ये इसको आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी आप खाने का मन करे तो आप निकाल के किसी चीज़ में यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप रोटी या ब्रेड के साथ खाना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। 1.5 बाउल मेरा जो है इमली का पल्प था, मैं आधा कटोरी पानी, मतलब 2 कटोरा पूरा लिक्विड इसके अंदर मैंने डाला है, क्योंकि अभी गुड़ भी गाढ़ा होगा। अब ये उबलने लगा है, मैंने पानी डाल दिया इसलिए उबलना बंद हो गया है। अभी फिर से ये उबलने लगेगा तब हम इसमें ये सारा मसाला डाल देंगे। अभी ये उबलने लगा है, मैं इसमें ये जो मैंने 1 चम्मच चीनी ली थी वो भी डाल दूंगी। अगर आप खाली चीनी से भी बनाना चाहते हैं तो भी बना लिए, लेकिन गुड़ से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने सूखे अदरक का पाउडर डाल दिया, ये मैंने काला नमक डाला आधा चम्मच, सफ़ेद नमक भी आधा चम्मच डालेंगे, मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। ये देखिए, आधा चम्मच हम इसमें, अब हम इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे गैस को, नहीं तो ये उबल 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 के गिरेगा। पक जाने के बाद थोड़ा मीठा होगा ना, थोड़ा कम होगा। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये लाल मिर्च पाउडर। मेरी लाल मिर्च तीखी नहीं है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो कलर भी बहुत अच्छा आता है इससे।
तो मैंने कलर के लिए ही ज़्यादा और थोड़ा तीखापन आ ही जाएगा, मिर्च तो है ही है, तो आप अपने हिसाब से मिर्च को डालिएगा। आपको तीखा चाहिए तो तीखा डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा या कम डालिएगा, आपको जैसा पसंद आए। अब हम इसको धीमी आँच पे 10 मिनट तक कम से कम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले और गुड़ चीनी सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये पकते पकते इसमें ऐसे झाग बन रहा है। आप इस झाग को इस तरीके से पैन, आप एक चमचे से किनारे करिए और इसको निकाल दीजिए बाहर, इसको दूसरी कटोरी में निकाल के फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो कलर और टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ये गुड़ और सब सोचिए कि एक तरह से गंदगी है जो ऊपर तक आती है, इसको आप पूरी तरफ से निकाल के ऐसे एक कटोरी में करके फेंक दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी चटनी पक पक के गाढ़ी हो गई है। देखिए ऐसे गाढ़ी हो गई है। आप इस समय आप इसमें नमक और गुड़ ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी कम या ज़्यादा लगता है तो आप इसको बराबर कर सकते हैं। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपको नमक खट्टा मीठा बराबर है कि नहीं है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा चम्मच में निकाल के टेस्ट करेंगे। इस चटनी में मीठा कम है तो मैं गुड़ और मिलाऊंगी। ये देखिए एक चम्मच और ये दो चम्मच, मैं दो चम्मच गुड़ मैंने इसमें और मिलाया है। तो आप इस तरीके से देख, नमक बराबर है इसमें लेकिन मीठा थोड़ा कम है, और काला नमक ज़रूर मिलाइएगा क्योंकि किसी भी खट्टी चीज़ में जब काला नमक मिलाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत चटपटा सा हो जाता है। अब हम इसको बंद कर देंगे। देखिए इतना इतना गाढ़ा है, अभी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। हम आपको जितना गाढ़ा चटनी चाहिए उसी हिसाब से और आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं, चाहे तो और भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद करके कढ़ाई को, गैस मैंने बंद कर दिया है, कढ़ाई को मैं नीचे उतार के रख दूँगी पंखे की हवा में। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी चटनी ठंडी हो गई है, अभी हल्की गुनगुनी है पर मैंने इसको निकाल दिया है। ये देखिए कैसे एकदम अच्छी से जो है वो नीचे आ रही है। इतनी गाढ़ी मुझको इतनी गाढ़ी चाहिए, आपको और गाढ़ी चाहिए तो आप और गाढ़ी कर सकते हैं। और इसको आप फ्रिज में जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, इसकी भाप निकल जाए, अभी थोड़ी सी गुनगुनी है, ठंडी हो जाए तो ऐसे लीड लगा के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में ये 3 से 6 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे 6 महीने चलती नहीं है, खा जाते हैं हम लोग घर में, लेकिन आपके अगर रह जाती है तो कोई परेशानी नहीं, ख़राब नहीं होगी। और अगर और गाढ़ी जाती है फ्रिज में रखने से और आपको पतली चाहिए तो आप पीने वाला पानी मिला दीजिए और अपने हिसाब से कितना गाढ़ा और कितना पतला आपको चाहिए उसके हिसाब से उसको बना दीजिए और आप घर में बनाइए इसको। हमारी चटनी बहुत अच्छी बनी है, आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।